लखीसराय नगर परिषद के सभापति अरविंद पासवान के खिलाफ लाए गए विश्वास प्रस्ताव में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को 33 वार्ड पार्षद वाले लखीसराय नगर परिषद के 13 वार्ड पार्षदों ने सभापति अरविंद पासवान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आवेदन दिया था, लेकिन आज फिर 18 वार्ड पार्षदों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया है। जो आवेदन दिया गया है उनमें जिन वार्ड पार्षदों का हस्ताक्षर है, सुधा कुमारी वार्ड पार्षद 1, मंजू देवी वार्ड पार्षद 33, इसके अलावा जो नाम है उनमें नीलम देवी वार्ड पार्षद 8, मुन्नी देवी 28, गौतम कुमार 18, मंजू देवी 9, इसके अलावा वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 30, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 32, कुल मिलाकर 18 वार्ड पार्षदों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया है। इस पूरे मामले पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि पहले जो 13 वार्ड पार्षदों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन मिला था विश्वास प्रस्ताव को लेकर, उसमें से 3 वार्ड पार्षदों ने आवेदन देकर अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन आज पुनः 18 वार्ड पार्षदों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन जो मिला है इसमें भी वो तीनों नाम है जो पहले आवेदन देकर अपना नाम वापस लेने की मांग की थी। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक बैठक बुलाई जाएगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। वार्ड सदस्यों ने सोमवार को कार्यालय में 13 वार्ड पार्षदों के हस्ताक्षर से युक्त आवेदन मुख्य पार्षद के विरुद्ध अविश्वास के संबंध में दिया था। उसके पश्चात 3 वार्ड पार्षदों ने कार्यालय में आवेदन दिया था कि उनके द्वारा जो भी हस्ताक्षर किया गया है उसे अमान्य कर दिया जाए और वो अपना नाम वापस लेते हैं। और आज इसके बाद जो है संचिका कार्यालय के द्वारा प्रक्रिया की गई और सभापति महोदय के पास भेज दी गई है अवलोकन के लिए, और तत्पश्चात पुनः आज वार्ड पार्षदों ने पुनः एक आवेदन दिया है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, और इस आवेदन में कुल 18 वार्ड पार्षदों का हस्ताक्षर है और वार्ड पार्षदों के द्वारा आवेदन प्राप्त हो गया है और कार्यालय के द्वारा नियमानुसार इस आवेदन के संबंध में प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी और सभापति महोदय के पास पुनः अवलोकन हेतु भेजी जाएगी। तो सर पिछले आवेदन